प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में विकसित भारत की ओर यात्रा केंद्रीय बजट 2024-25 के पश्चात सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों जैसी विपदाओं के बावजूद वैश्विक विकास में भारत का योगदान 16% तक पहुँच गया है। मनु भाकर और सरदजोत सिंह ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। मनु भाकर ओलंपिक की एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता परीक्षण योजना 2.0 पोर्टल का शुभारम्भ किया। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने देश भर के 12 ECHS पॉलिक्लिनिकों में इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श सेवा की पायलट परियोजना शुरू की। ई सेहत का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सुरक्षित और संरचित वीडियो आधारित क्लिनिकल परामर्श के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। भारतीय तटरक्षक बल ने आंध्र प्रदेश में अपने पहले वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से गतिशील समुद्री सुरक्षा परिदृश्य से निपटने एवं सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर चर्चा करने, अंतर्दृष्टि साझा करने और रणनीतियों को संरेखित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया गया।